बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामतुनसल्ली अला रसूलिल करीम। ट्रेडिशन के मुताबिक आज 30 सितंबर रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होता है। वज़ीरे आज़म साहब के साथ तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है, ये प्राइस 12 रुपये 13 पैसे दोनों में, ये प्राइस 247 रुपये 43 पैसे से कम होके 235 रुपये 30 पैसे पे हो जाएगी। केरोसिन ऑयल में 10 रुपये 19 पैसे की कमी की जा रही है, ये प्राइस 202 रुपये 2 पैसे से कम होके 191 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। और लाइट डीजल ऑयल इसमें 10 रुपये 78 पैसे की कमी के साथ 197 रुपये 28 पैसे से कम होके 186 रुपये 50 पैसे पे हो जाएगी। ये कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। इसमें मैं आपको, चूँकि आज 30 सितंबर का क्वार्टर ख़त्म हुआ है और FPR में मैंने कल विज़िट भी किया था, उनके कुछ नंबर भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जो 30 सितंबर का महीना है, पूरा महीना 1st से 30th, इसमें जो कलेक्शन है वो 685 बिलियन रुपीज़ की है। ये टारगेट के करीबन एग्जैक्टली उधर है। और जो क्वार्टर का, पूरे क्वार्टर का यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर का जो फिगर है वो 1635 बिलियन है, टारगेट 1609 अरब था। तो अल्लाह के फजल करम से जो रेवेन्यू टारगेट्स थे सितंबर के महीने का भी और सितंबर क्वार्टर का भी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन ऑर्डर। इसमें एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो रिफंड्स हैं वो इस क्वार्टर में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 84 बिलियन के रिफंड्स दिए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 62 अरब रुपए के रिफंड्स दिए गए थे। मुझे और कॉल्स भी आ रही हैं, आपके साथियों ने भी अभी कहा, मेरा ख्याल था कि हम करीबन मिडनाइट के करीब उसको अनाउंस करेंगे, लेकिन मुझे ये पता चला है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा चोक्ड है इस वक्त सिस्टम, वो रिटर्न्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं और उनको दिक्कत आ रही है। फिर फ्लड्स के बेसिस के ऊपर जो इनकम टैक्स बार्स हैं, जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, सो उनसे हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि पर्टिकुलरली फ्लड्स की वजह से आप हमें एक्सटेंशन दें अपनी रिटर्न्स फाइल करने के लिए। तो ये बड़ी जेन्युइन उनकी रिक्वेस्ट है। तो इसमें एक महीने की एक्सटेंशन की जा रही है और 31 अक्टूबर तक 30 सितंबर को चेंज करके एक महीने की एक्सटेंशन के साथ अब रिटर्न्स फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2022 होगी। मेरी सबसे अपील है, मेहरबानी करके इस महीने में वो अपनी रिटर्न्स फाइल करें, क्योंकि ये इतना लेजिटिमेट उनकी रिक्वेस्ट थी कि सैलाबों की वजह से काफ़ी मसाइल हुए हैं, इसी तरह जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे, जो बार्स हैं, सबकी रिक्वेस्ट थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, बिज़नेस कम्यूनिटी, इंडस्ट्री, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इसको एक महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं और 31 अक्टूबर तक अब रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।